नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम पढ़ रहे हैं सब ग्रुप, जिसका हम भाग 3 पढ़ चुके थे। आज इसका हम भाग 4 पढ़ रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक प्रमेय से। चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय है, इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि अगर H1 और H2 हमें किसी ग्रुप G के 2 सब ग्रुप दिए हुए हैं, तो हमें यह बताना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 वो भी G का एक सब ग्रुप होगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि अगर H1 और H2 G के 2 सब ग्रुप है, देन E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2। बिकॉज H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ G, तो G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही H1 और H2 का भी तत्समक अवयव होगा। अब चूंकि अभी हमने बता दिया E belongs to H2, then E belongs to H1 intersection H2. इसका मतलब H1 intersection H2 is non-empty. That is H1 intersection H2 is non-empty. अब हम देखते हैं, जो हमें प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो G का एक सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मान लिया हमने कि A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, लेट A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, B belongs to H1 intersection H2। तो हमें यह सिद्ध करने के लिए कि H1 intersection H2 भी G का एक सबग्रुप होगा, हमें यह बताना पड़ेगा कि A be inverse, then we have to show that, then we have to show that A B inverse belongs to H1 intersection H2। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने माना है, क्या चीज़ें लेकर चले हैं हम, कि A जो है वो H1 intersection H2 का अवयव है, B भी H1 intersection H2 का अवयव है। अब अगर A H1 intersection H2 का अवयव है, इफ A belongs to H1 intersection H2, then A belongs to H1 and A belongs to H2 and B belongs to H1 intersection H2, then B belongs to H1 and B belongs to H2। अब चूंकि अभी हमने देखा कि A जो है H1 का अवयव है, B भी H1 का अवयव है, तो हम ये कह सकते हैं कि
ए बी इनवर्स भी एच वन का अवयव होगा, क्योंकि एच वन जो है वो हमें दिया है जी का एक सब ग्रुप है। नाउ ए बिलोंग्स टू एच वन, बी बिलोंग्स टू एच वन, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन, ये हम प्रमेय पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार ए बिलोंग्स टू एच टू है, बी बिलोंग्स टू एच टू है, तो ए बी इनवर्स जो है वो एच टू का भी अवयव होगा। अब हम लेकर चले थे कि ए बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू, बी बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू, और यहाँ हमने बता दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच टू, तो इससे ए बी इनवर्स एच वन इंटरसेक्शन एच टू का भी अवयव हो जाएगा। तो फाइनली देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू, बी बिलोंग्स टू एच वन, एच वन इंटरसेक्शन एच टू, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। इसका मतलब एच वन इंटरसेक्शन एच टू भी जी का एक सब ग्रुप है। तो हमारी एक प्रमेय यहाँ पर पूरी हो गई। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी प्रमेय, जिसका स्टेटमेंट है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंड इन द अदर। मतलब हमें बताना है कि यदि हम दो सब ग्रुप लेते हैं एच वन एंड एच टू, तो उन दोनों का यूनियन जो है सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि वन इज कंटेंड इन अदर, यानी कि एक दूसरे में समाहित हो, कोई भी एक दूसरे में समाहित हो, यानी कि या तो आइदर एच वन इज कंटेंड इन एच टू और एच टू इज कंटेंड इन एच वन। तो हम मान लेते हैं यहाँ के एच वन एंड एच टू आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए जी। शुरू करते हैं प्रूफ। लेट एच वन एंड एच टू आर टू सब ग्रुप्स, ऑफ जी। ये हमने मान लिया कि एच वन और एच टू किसी ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले हम ये मानते हैं कि या तो एच वन इज कंटेंड इन एच टू और या एच टू इज कंटेंड इन एच वन, एंड लेट एच वन इज कंटेंड इन एच टू और एच टू इज कंटेंड इन एच वन। तो हमें यह बताना है कि इन दोनों एच वन और एच टू, इन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन जो है वो एक सब ग्रुप है। तो चूंकि हम देखें कि एच वन यूनियन एच टू, सिंस एच वन यूनियन एच टू इज इक्वल टू आइदर एच वन और एच टू। अगर हम देखें एच वन यूनियन एच टू हम निकालें, तो या तो एच वन के बराबर होगा या एच टू के बराबर होगा। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है कि एच वन इज कंटेंड इन एच टू और एच टू इज कंटेंड इन एच वन, हमें सब ग्रुप बताना है इसे। तो एच वन और एच टू हमने दो सब ग्रुप माने हैं,
तो एच वन यूनियन एच टू या तो एच वन के बराबर होगा जो हमें दिया गया एक सब ग्रुप है, या फिर एच वन यूनियन एच टू के बराबर होगा जो भी हमें दिया हुआ वो भी एक सब ग्रुप है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एच वन यूनियन एच टू जो है वो जी का एक सब ग्रुप होगा। देयरफोर एच वन यूनियन एच टू इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। मान लेते हैं हम, अब हमें बताना है कि एच वन जो है, एच वन यूनियन एच टू जो है वो जी का एक सब ग्रुप है। तो हमें बताना है आइदर एच वन इज कंटेंड इन एच टू और एच टू इज कंटेंड इन एच वन। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एच वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ एच टू एंड एच टू इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ एच वन। तो पहले हमने क्या माना कि एच वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ एच टू, मतलब इफ एच वन इज नॉट सबसेट ऑफ एच टू, तो हमारे पास कोई एक अवयव ए मान लेते हैं जो कि अगर एच वन का है तो वो एच टू का नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम ये मानते हैं कि एच टू इज नॉट कंटेंड इन एच वन, यानी कि एच टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ एच टू, तो एंड इफ एच टू इज नॉट सबसेट ऑफ एच वन देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एच टू विच इज नॉट बिलोंग्स टू एच वन, बी बिलोंग्स टू एच टू एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच वन। तो ये हमारे पास हमने बता दिया कि अगर एच वन इज नॉट सबसेट ऑफ एच टू तो कोई अवयव ए है ऐसा है जो कि एच वन का है लेकिन एच टू का नहीं होगा, और अगर एच टू इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ एच वन तो बी कोई ऐसा अवयव है जो कि एच टू का है तो वो एच वन का नहीं होगा। अब चूंकि ए जो कि एच वन का अवयव है लेकिन एच टू का नहीं है, तो ए जो अवयव है वो एच वन यूनियन एच टू का अवयव तो होगा ही। वी हैव ए बिलोंग्स टू एच वन यूनियन एच टू एंड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू एच वन यूनियन एच टू, क्योंकि बी जो है एच टू का है लेकिन एच वन का अवयव नहीं है लेकिन वो एच वन यूनियन एच टू का अवयव होगा। अब हमें दिया हुआ है कि एच वन यूनियन एच टू जो है वो एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एच वन यूनियन एच टू, बी बिलोंग्स टू एच वन यूनियन एच टू, देन एक थ्योरम है ए बी सब ग्रुप के लिए है, एक थ्योरम है कि ए गुणा बी यानी कि ए बी बिलोंग्स टू एच वन यूनियन एच टू, प्रमेय के आधार पर देन ए बी बिलोंग्स टू एच वन यूनियन एच टू। लेट ए बी इज इक्वल टू सी, फॉर कन्वीनियंस अगर हम मानना चाहें तो हम मान सकते हैं ए बी जो है वो एच वन यूनियन एच टू का अवयव होगा। अब हम ये देखें जो कि हमने लिया था, नाउ इफ ए बिलोंग्स टू एच वन, यह हमने लिया था ए को एच वन का अवयव, अगर ए एच वन का अवयव है और ए बी जो है एच वन यूनियन एच टू का अवयव है तो या तो एच वन का अवयव होगा या एच टू का वही अवयव होगा। तो मान लेते पहले अगर ए बी जो है वो एच वन का अवयव है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एच वन, देन हम ये कह सकते हैं क्योंकि एच वन इज ए सब ग्रुप देन ए इनवर्स ए बी
सब ग्रुप की थ्योरम से हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एच वन, चूँकि ए इनवर्स बी जो है वो एच वन का एलिमेंट होगा जो कि बी के बराबर, तो बी एच वन का एलिमेंट आ गया, जबकि हमारे पास हम यहाँ देख चुके हैं कि बी एच वन का एलिमेंट नहीं है, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास आ गया। इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि अगेन बी बिलोंग्स टू एच टू, बी बिलोंग्स टू एच टू एंड क्या माना था हमने यहाँ, बी बिलोंग्स टू एच टू, हाँ अब हम ए बी बिलोंग्स टू एच टू मान लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ए बी बी इनवर्स ये किसका अवयव होगा, एच टू का, विच इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एच टू, तो ये भी हमारे पास यहाँ कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि हमने ए को एच वन का अवयव माना था तो ए एच टू का अवयव नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ जब दोनों केस लेते हैं तो हमारे पास विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एच वन यूनियन एच टू इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन आइदर एच वन इज कंटेंड इन एच टू और एच टू इज कंटेंड इन एच वन, तो ये प्रमेय हमने यहाँ सिद्ध कर दी है कि अगर एच वन यूनियन एच टू किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप है यदि और केवल यदि वन इज कंटेंड इन द अदर। तो आज के लिए इतना ही, अगली भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।